जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का सिलेबस क्या है, बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जरा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं और यदि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो बहुत ही आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप सबसे पहले सिलेबस जानिए कि इसका सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए बेस्ट बुक कौन होगा, कितना समय मिलता है और इसका सेंटर कहाँ देता है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है आपका मैथमेटिक्स। सिलेबस तो है छोटा लेकिन पढ़ना बहुत है, बस जान लीजिए। फिजिक्स से आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन रहेंगे और केमिस्ट्री से भी आपके एग्जाम में 30 गो क्वेश्चन रहेगा और मैथमेटिक्स से भी रहेगा 30 गो क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको क्वेश्चन मिलेगा 90 गो। कै गो? 90 गो क्वेश्चन मिलता है। याद रखिएगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर वहां पर मिलेगा वही फिर आपसे वापस ले भी लिया जाता है, आपको वापस लाने नहीं दिया जाता है, वहीं पर आपको क्वेश्चन पेपर और मार्कशीट दोनों को जमा कर देना होता है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है 30 गो, और इस 30 गो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमको फिजिक्स का पढ़ना पड़ेगा 23 गो लेसन को। कितने लेसन को? 23 लेसन को हमको पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस 30 गो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए केमिस्ट्री का हमको 24 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में 23 चैप्टर, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा 24 को चैप्टर, और मैथमेटिक्स में लगभग 38 को आपको चैप्टर पढ़ना है और वहां से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90 को क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए मिलता है 5 नंबर। देखिए टोटल आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 90 को क्वेश्चन हो गया, आ एक क्वेश्चन के लिए मिलता है 5 नंबर, तो 90 को क्वेश्चन के लिए कितना मिलेगा, 450, यानी कि 450 अंक का एग्जाम होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है तो 90 को क्वेश्चन पूछेगा 450, यानी कि 90 को क्वेश्चन रहेगा और 450 अंक का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा कि 450 अंक का एग्जाम होगा, यदि आप इसमें से 200 प्लस नंबर यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कंफर्म गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब आगे बात आती है कि इस 90 गो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, तो 2 घंटा 15 मिनट। और मेरे भाई एक तो खास बात है कि बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि कंपटीशन वगैरह का आप तैयारी करने जाइएगा तो वहां पर आपको मालूम चलेगा निगेटिव मार्किंग, 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/5 होता है, यानी कि आपने सारा क्वेश्चन को बना दिया, और सारा क्वेश्चन को बना दिया तो बहुत आपसे गलत भी बन गए होंगे, बहुत सही भी होगा। तो यदि गलत हो जाते हैं तो सही वाला में से नंबर कट जाएगा, इसी को बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। लेकिन यहाँ पर वैसा बात नहीं है बिहार पॉलिटेक्निक में, इसका मतलब यह है कि आप 90 के 90 क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, 90 के 90 क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं। और कन्फर्म है इतना जरूर कि आपने पढ़ा होगा तो कुछ तो सही होगा ही, और कुछ हार्ड सवाल होंगे जिनको आप तुक्का लगाइएगा तो हो सकता है कि वो भी सही आ जाए, तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है यदि आप कड़ी मेहनत के साथ स्टार्ट कीजिएगा अपने पढ़ाई को तो। और एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी बुक वगैरह होता है उन सारे बुक में जो क्वेश्चन होता है लोग पब्लिकेशन वाला अपने हिसाब से क्वेश्चन को टाइप करते हैं,
यानी कि हो सकता है कि वो अपने तरफ से बहुत सारे लोगों को एग्जाम के लिए भेजते होंगे, वहाँ लोग जाते होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो वहाँ से उनको समझ में आता है कि इस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पैटर्न पर लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन के बुक को आप परचेज कर लीजिएगा, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों रहता है। आप उस बुक को आराम से अच्छे तरीका से प्रिपरेशन कीजिए, क्वेश्चन बनाइए और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पीछे उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है, यदि आपको समझ में आएगा तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, आंसर भी रहते हैं। और ध्यान आपको यह रखना है कि जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उस चैप्टर को ही आप बार बार रिवाइज करें तो बेहतर आपको नंबर आएगा और बेहतर आपको ब्रांच मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।